मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि राणा दंपत्ति कैसे आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं। अब सवाल सही यही है, कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। मुंबई पुलिस ने एक वीडियो जारी कर दिया है जिसमें चाय नाश्ता करती हुई सांसद नवनीत राणा दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है, ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है और मुंबई पुलिस की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो जारी किया है जिसमें आराम से बैठकर उनके पति और वो चाय नाश्ता करते हुए थाने में दिखाई दे रहे हैं, जबकि नवनीत राणा ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, उन्हें वॉशरूम यानी कि टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया। क्या सिद्ध करती है ये तस्वीर? क्या नवनीत राणा सांसद झूठ बोल रही थी? क्या वो यहां भी राजनीति कर रही थी? क्या वो मुंबई पुलिस के लॉकअप में चाय नाश्ता करने के बाद भी बाहर आकर मीडिया के सामने ये आरोप लगा रही थी और सीधे सीधे राजनीति? लेकिन ये वीडियो खुद क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है इसलिए ये पुलिस का आधिकारिक वर्जन इसे माना जा सकता है और ये वीडियो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज है क्योंकि थाने के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज और ये वीडियो सामने आया। नवनीत राणा को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे और वो आरोप ये भी लगाया था उन्होंने कि उन्हें थाने में पानी तक नहीं पूछा गया, जब उन्होंने वॉशरूम जाने की बात की तो वहां भी उन्हें नहीं जाने दिया गया। और इससे पहले इससे भी गंभीर आरोप नवनीत राणा सांसद ने लगाया था और वो ये कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो राजनीति कर रही थी, वो मुद्दे को मामले को और भड़का रही थी और वो कहीं ना कहीं माइलेज लेना चाह रही थी। लेकिन ये जो वीडियो है जिसमें वो चाय पीते हुए दिखाई दे रही हैं, उनके पति उनके साथ में हैं, थाने का ये वीडियो है और ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि उस समय रियल टाइम जो हो रहा था और ये दोनों पति पत्नी वहां पर बैठे हुए हैं, पुलिस वाले वहां साथ हैं आराम से, किसी आम कैदी की तरह नहीं, किस तरह से किस थाने में किसी आम कैदी को इस तरह से बैठाकर चाय नाश्ता करवाया जाता है, चाय पिलाई जाती है। लेकिन ये जो वीडियो है अब इसने एक और बहस को जन्म दे दिया है और वो बहस ये कि क्या नवनीत राणा सांसद झूठ बोल रही थी। मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए। मुस्तफा, जिस तरह से ये वीडियो अब सामने आया है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नवनीत राणा झूठ कह रही थी, क्योंकि जब उन्होंने पत्र लिखा लोकसभा स्पीकर को तो कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए पुलिस के रवैये पर, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई है वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस डिफेंसिव पर है क्योंकि 24 घंटे का वक्त दिया है उन्हें लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इस बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करने का कि क्या नवनीत राणा के साथ इनह्यूमन बिहेवियर जेल के अंदर किया गया, और उसी के रिस्पांस में जब वो 24 घंटे चल रहे हैं तब खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट होता है जो कि एक सीसीटीवी फुटेज है खार पुलिस स्टेशन के अंदर का। आपको बता दें कि जब अरेस्ट करने के बाद अपने घर से नवनीत राणा और रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन लाया गया था, ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब उनके वकील एक तरफ बैठे हुए दिख रहे हैं और दूसरी तरफ नवनीत राणा चाय पीती दिख रही है और रवि राणा जो है वो कॉफी पीते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक वीडियो के जरिए जरूर मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है कि आम कैदी की तरह तो नहीं लेकिन उससे ज्यादा प्रिविलेज नवनीत राणा को जब वो जेल में अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन में थी उस वक्त दिए गए, तो इनह्यूमन बिहेवियर थी कि वॉशरूम यूज करने नहीं दिया गया या फिर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है इसलिए उनके साथ अलग से कुछ व्यवहार किया गया, इन सारी बातों में तफ्तीश नहीं है, दम नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की कहने की कोशिश है। हालांकि जो वीडियो ट्वीट किया गया है उस पर सिर्फ इतना ही लिखा है मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कि डू वी नीड टू से मोर, मतलब इसके आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अब देखना ही होगा कि इसके आगे जो बहस है वो कैसे आगे जाती है और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र सरकार को लोकसभा सेक्रेटरीट को लेटर लिखना है उस रिप्लाई में क्या लिखा जाता है, क्या डिटेल मेंशन की जाती है। लेकिन साफ तौर पर प्रायों से ये लग रहा है कि सिरे से नकारने वाली है महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा के सारे आरोप। बिल्कुल, डू वी नीड टू से मोर, यानी कि कैप्शन सेज इट ऑल, अपने आप में एक तरीके से पुलिस ने ये सफाई भी दी अपने डिफेंस में, राजीव ये वीडियो उन्होंने जारी किया है। बिल्कुल, यानी कि पुलिस को बयान देने के बजाय पुलिस ने सीधा वीडियो जारी कर दिया और उनको ये लगा कि वीडियो में आप देख लीजिए कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है।
जी बिल्कुल, एक तरह से वीडियो एविडेंस जो है वो मुंबई पुलिस ने पेश कर दिया गया है। ऐसे कि आप जैसे कि बता रहे थे सही इस बारे में कि एक और नई डिबेट इस चीज को लेकर फिर सकते हैं, तो क्या एक कैदी को जब लाया जाता है क्वेश्चन, तो क्या उसे चाय और शाही फैसिलिटी इस तरह से दी जाती है बिठाकर कुर्सी पर, ये एक डिबेट अलग से फिर सकती है। लेकिन फिलहाल जो आरोप नवनीत राणा ने किए, क्योंकि उनके आरोप एक तरह से बहुत गंभीर रूप में है, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए उस चीज को आप कह सकते हैं कि लाइटली नहीं लिया जा सकता। शायद इसीलिए मुंबई पुलिस को कोई अपना वर्जन सामने रखने के बजाय, कोई एलिगेशन करने के बजाय, उन्होंने सीधा एक जो वीडियो एविडेंस है वो ट्विटर के जरिए जाहिर कर दिया है। पुलिस स्टेशन के अंदर चाय पीते हुए दोनों गिरफ्तारी के बाद दिखाई दे रहे हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसी तरह इसी से समझ में भी आता है कि आगे चलकर माचा सरकार जो लोकसभा सेक्रेटरी को जवाब देने वाली है उसमें साफ तौर पर यही लिखा होगा कि किसी भी तरीके का अमानवीय जो बिहेवियर है वो नवनीत राणा या रवि राणा के साथ नहीं किया, यानी कि बैन देने से बचे और सीधा एक वीडियो जारी किया गया है। अर्पिता बिल्कुल, और देखिए उन्होंने बकायदा चिट्ठी नवनीत राणा ने लिखी थी और स्पीकर से कहा था कि कार्रवाई हो, उसके लिए जवाब भी सरकार से मांगा गया था। जाहिर तौर पर ये बातें भी वहां लोकसभा स्पीकर के सामने रखी जाएंगी। मुस्तफा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्तफा, नवनीत राणा पहले तो बहुत एक्टिव तरीके से ये बात कह रही थी कि उनके साथ किस तरीके का अन्याय हुआ, अब इस वीडियो के बाद उन्होंने कुछ सफाई दी है? जी बिल्कुल, ये बात बराबर है कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों इस वक्त जेल में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन में जो लेटर लिखा गया है ये शायद हो सकता है कि जब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया हो तब उन्होंने अपने लॉयर को ये सारी चीजें बयान की हो, उसके बाद उनके मेल आईडी से ये ऑफिशियल लेटर जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला उनको आ गया हो, तो ये आप कह सकते हैं कि जब नेक्स्ट उनकी जब भी कोर्ट से वो जेल से बाहर निकलते कोर्ट में आते हैं इस मामले में उनके लॉयर्स को तभी क्लेरिफिकेशन मिल पाएगा, या फिर उनके लॉयर्स अगर जेल में मिलने जाते हैं नवनीत राणा से तब उनको ये आइडिया आएगा कि क्या एक्चुअल में कहानी है, क्योंकि एक तरह से जंग की हुई है एलिगेशन की, जिसमें नवनीत राणा एलिगेशन लगाए उसके विपक्ष में मुंबई पुलिस ने वीडियो जारी किया। अब आगे क्या नवनीत राणा क्या कहना चाहती है ये तो उनके वकीलों के जरिए ही मालूम पड़ेगा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि महाराष्ट्र सरकार को एक लेटर रिप्लाई फाइल करना है लोकसभा सेक्रेटरी को, क्योंकि लोकसभा सेक्रेटरी की तरफ से कल एक लेटर लिखा गया है, स्टिपुलेटेड टाइम जो उसके लिए 24 घंटों का दिया गया, तो आज के आज में एक जवाब दिया जाना है। अब उन्होंने चिट्ठी तो लिख दी, वकील आगे बताएंगे कि वो क्या कह रही है, इस बात में वो सहमति जता रही है नहीं जता रही, लेकिन ये वीडियो आधिकारिक तौर पर सामने रख दिया गया है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। शुभांकर नहीं, लेकिन मुस्तफा एक सवाल यहाँ पर और भी आता है कि ये वीडियो जो है ये पुलिस स्टेशन का है, और जो शिकायतें की गई थी वो जेल के अंदर की थी कि रात भर वहां पर पानी नहीं मिला, वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं दिया गया, तो इस वीडियो को लेकर पुलिस कमिश्नर क्या ज्यादा सफाई नहीं देने इसको लेकर भी क्या सवाल नहीं खड़े होंगे, क्योंकि सवाल उन्होंने जेल के अंदर की बात की थी। ये चीज में कंप्लेंट को उनके जो लेकर है वो भी अलग अलग वर्जन है, क्योंकि जो लेटर उन्होंने लिखा हुआ है लोकसभा स्पीकर को उस लेटर के अंदर कहीं भी जेल की मांग बात नहीं की गई है। देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता है उन्होंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने ये सारे एलिगेशन किए थे कि ऐसा जेल में हुआ है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एलिगेशन जो किए गए हैं उसमें भी अलग अलग जो वर्जन है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ये आप एक बात समझ के चलिए कि अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किसी वीडियो को ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई एलिगेशन हुआ होगा, इसीलिए ये वीडियो ट्वीट किया होगा, वरना मुंबई पुलिस की इमेज के लिए भी ये वीडियो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, कि अगर कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो उसके साथ ये ट्रीटमेंट की जानी चाहिए या नहीं, इस पर भी आगे जाकर डिबेट होगी। लगातार ये मामला आगे बढ़ रहा है, अब किस तरह से मुस्तफा इस वीडियो के आने के बाद, क्योंकि जो शुभांकर ने सवाल उठाया क्या ये वीडियो थाने का है, जिस वक्त वो थाने में गए थे और जो बदसलूकी हुई वो जेल में हुई, क्या लगता नहीं है कि मामला और बढ़ेगा, कैसे इसे क्लैरिफाई करेंगे आप? देखिए, मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र जेल अथॉरिटी, उन लोगों को डिटेल में रिस्पांस देना पड़ेगा कि एक एक जो एलिगेशन नवनीत राणा की तरफ से किया गया है उस चीज को उसको कंपाइल जो है वो महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट करेगा, तो ये सारी बातें जब रिप्लाई दिया जाता है तब उसमें जरूर सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये परसेप्शन भी आप कह सकते हैं कि बनाने की कोशिश की गई है प्राइमेसी की, कि जो आप कह सकते हैं जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में साफ तौर पर वो दोनों दिख रहे हैं, दोनों जेल में बैठे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और वहां पर चाय पी रहे हैं, तो इस तरह से जो बदसलूकी की बात है प्राइमेसी शायद पुलिस स्टेशन में साबित नहीं होती है, जेल अथॉरिटीज को अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना पड़ेगा, अगर वो एलिगेशन उनकी तरफ से लगाया गया है कि कहीं ना कहीं बाथरूम साफ नहीं थे या बाथरूम नहीं जाने दिया गया, सही आप कह सकते हैं कि वर्जन ऑफ एलिगेशन रहते हैं, ये सारी चीजों की जो क्लैरिफिकेशन है वो जब भारत सरकार ऑफिशियल लेटर लिखती है तभी आ पाई। ठीक है, लेकिन अगला सवाल मल्लिका आपसे पूछेंगे मुस्तफा, और इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि नवनीत राणा की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि कल
बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा, आज मुंबई सेशंस कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। अब ये वीडियो सामने आया है जिससे ये आरोप नवनीत राणा पर लगेगा कि वो झूठ बोल रही थी पुलिस के रवैये के बारे में। जी बिल्कुल, एक तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ तो रही हैं, क्योंकि पहले जो बेल फाइल किया गया था उनके लिए वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में किया गया था, जब से जो सेक्शन लगाए गए हैं वो सेशन कमिट सेक्शन है, इसलिए इसको जो बेल है वो सेशन कोर्ट में होना चाहिए, वो सेशन कोर्ट में बेल कल फाइल किया गया, इसकी वजह से और डिले हुआ, क्योंकि अब मुंबई पुलिस ने और समय मांगा है, 29 तारीख तक जो है वो पूरे मामले की सुनवाई चल चुकी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये गंभीर बात तो है ही कि एक सिटिंग MLA और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कल तक इस तरह से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के घर के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे, आज तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं जेल में है, और आने वाले दिनों में भी कुछ अगर सुनवाई नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में तो ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो होने में और 4 से 5 दिन का समय लगेगा, जब तक दोनों को ही जेल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल मुस्तफा, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम दर्शकों को उस चिट्ठी के बारे में भी बताएं जो नवनीत राणा ने लिखी थी लोकसभा स्पीकर को, और किस तरह से अपना दर्द बयां किया था, क्या आरोप पुलिस पर लगाए थे, क्या इल्जाम स्पीकर को चिट्ठी जब उन्होंने लिखी थी पुलिस पर लगाए थे। 23 अप्रैल को रात भर थाने में रखा गया नवनीत राणा का दर्द जो उस चिट्ठी के जरिए सामने आया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया, ये भी कहा नवनीत राणा ने उस चिट्ठी में। साथ ही ये आरोप भी लगाया पुलिस पर कि जाति सूचक टिप्पणी की गई उन पर। तो मुस्तफा, आपने तमाम अपडेट इस बड़ी खबर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से एक नया विवाद खड़ा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल, जो इल्जाम लगाए गए थे नवनीत राणा रवि राणा की तरफ से, नवनीत राणा की तरफ से खासतौर पर, उनका जवाब एक वीडियो के तौर पर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर मुंबई ने एक ट्वीट किया है और ये वीडियो उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो चाय कॉफी पीते हुए दिख रहे हैं।